आज हम लोग अपनी चैप्टर टू की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका हमने ऑलरेडी करा रखा है, जो हमने रिलेशन कराया था इसके पहले वाले लेक्चर में, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। एक रिलेशन आर जो नेचुरल नंबर एन क्या होता है, सारी चीजें मैंने सेट में डिफाइन कर रखी, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, आई होप आपने पढ़ रखा है। जो आर डिफाइंड है वो इस तरीके से है कि एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर है उसमें y जो है x में 5 ऐड करने से मिलेगा और x जो है वो बस 4 तक है, 4 से पहले ही है, लेस देन 4, इक्वलिटी भी नहीं लगी, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप समझ सकते हो x की वैल्यू 1, 2, 3, ये नेचुरल नंबर्स हैं और हमें बस लेस देन 4 तक ही काउंट करना है। इनमें आप 5 ऐड करते चले जाओगे तो y मिलता चला जाएगा, ऐसा दे रखा है इन्होंने। और x कॉमा y नेचुरल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है तो नेचुरल नंबर ही होगी। अब कह रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आर की वैल्यू सेट बिल्डर फॉर्म तो लिखी हुई है, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, आप एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो उसमें 5 ऐड करोगे तो वाई मिलेगा, वो कितना आ जाएगा 6। डेफिनेशन के हिसाब से एक्स में 5 ऐड करोगे तो वाई मिलेगा और एक्स सिर्फ इतने ही ले सकते, इन्होंने मेंशन कर रखा है। आप अगर 2 रखोगे उसमें 5 ऐड करोगे तो 7, ये देखिए सारे नेचुरल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। 3 लोगे, 3 में 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 5 ऐड कर दोगे तो भैया 8 आ जाएगा। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, सिंपल सा है, बहुत इजी है, कहां से कहां तक डिफाइंड था, x हमें पता चल गया और x रखते जाओगे तो y मिलता जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया इसका, रोस्टर फॉर्म पूछा था। फाइंड इसकी डोमेन, ऐसे अब डोमेन अगर निकालनी है तो डोमेन रिलेशन से ही निकाल दो, वो क्या हो जाएगी, जो पहले एलिमेंट होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं, वो कितनी है 1, 2, 3। को डोमेन की बात करें तो को डोमेन पूछा नहीं लेकिन फिर भी भाई हम बता दे रहे हैं। को डोमेन क्या होता है, ए टू बी डिफाइन है, रिलेशन हमारा कहां डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है हमारा एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर है, एक ही सेट अगर दिया हो तो उसका उसी से होता है, तो पूरा सेट हमारा क्या हो जाएगा, को डोमेन, पूरा सेट इधर वाला। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज तो रिलेशन के लिए होता है, तो रिलेशन में रेंज में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सारी हमारी क्या है, 6 है, 7 है और 8 है, इनको सेट में डाल दो तो ये हमारी रेंज हो जाती है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, बेसिक आप पहले देखिए, यही से हमारी एक्सरसाइज होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सेट ए एक डिफाइंड है, सेट बी दिया हुआ है, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय आर, एक रिलेशन आर जो ए टू बी डिफाइंड है उसकी डेफिनेशन दे रखी है। ये क्या कह रहा है कि x कॉमा वाई हम पेयर ले रहे हैं जिसमें जो है इनका डिफरेंस है वो ऑड नंबर आएगा, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पहला एलिमेंट एक का होगा क्योंकि a टू b डिफाइन कर रहा है और दूसरा एलिमेंट b का होगा, उसको हमें बस रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर डिफरेंस दिया, एक सब्ट्रैक्शन होता है, यानी अगर आप 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 रिजल्ट आएगा और 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कितना आएगा, माइनस का। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस है 2, यानी डिफरेंस में साइन मैटर नहीं करता, तो आपको साइन की टेंशन नहीं लेनी है, डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी अगर हम कहते हैं 2 क्वांटिटीज का डिफरेंस कितना आ रहा है तो हमें साइन की टेंशन नहीं लेनी, ये चीज ध्यान रखिएगा। सब्ट्रैक्शन पूछता है तो प्रॉपर हमको लिखना है कि साइन कितना आ रहा है। यहां पे बोला है कि x और y ऐसे लेने हैं कि उनका डिफरेंस क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो ठीक है भैया। अगर आप इसको मैपिंग बनाना चाहोगे तो मैपिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इजी हो जाता है थोड़ा सा। ये है 1, 2, 3 और 5, ये है 4, 6 और 9। अगर सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट का देखोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है सबसे बनता है, 1 का सबसे कनेक्शन होगा, 2 का सबसे कनेक्शन होगा, 3 का सबसे कनेक्शन होगा, 5 का सबसे कनेक्शन होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है। उसमें से हमें वो रिलेशन लेना है जिनका डिफरेंस ऑड नंबर हो जाए, तो आप देखिए क्या 1 का 4 से पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल 1 का 4 से पॉसिबल है, भाई इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3, ऑड नंबर है। एक चीज ध्यान रखो यार, इवन इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा इवन नंबर होगा, कैसे माइंड में कैलकुलेट करो, 4, 6, 2 आएगा, 8, किसी भी दो इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन नंबर आएगा, किन्हीं दो ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इवन नंबर आएगा, कैसे,
37 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 97 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमेशा इवन नंबर देंगे, यानी इवन माइनस इवन आपको इवन देगा, ऑड माइनस ऑड भी आपको क्या देगा, इवन ही देगा। हमको ऑड की बात करनी, तो ऑड का इवन से करो तभी ऑड आएगा, ऑड अपोजिट है। देखो हमने क्या किया, ऑड इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड मिलेगा, यानी ये ऑड इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, यानी 1 का 6 पॉसिबल है। 1 का क्या, अब देखिए ऑड ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन आता है, 1 का हम इससे नहीं कनेक्शन करा सकते क्योंकि 1 माइनस 9 करोगे तो 8 आएगा, 8 हमारा डिफरेंस की बात कर रहे हो तो वो इवन आ जाएगा, वो हम नहीं देना है। 2 का देखिए इवन इवन नहीं भेजा, इवन इवन नहीं होगा इसका, इससे नहीं जाएगा। कैसे, 2 में से 9 या 9 में से 2 सेपरेट करोगे तो डिफरेंस 7 आएगा, ऑड नंबर आएगा। 3 1 से पॉसिबल है, बिल्कुल 3 से सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 9 से करोगे तो नहीं लेना है हमको, हमको ऑड चाहिए। 5 का 4 से हो जाएगा, 5 का 6 से हो जाएगा, और 5 9 करोगे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर इवन नंबर में से आप इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, 6 4 कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, इवन। लेकिन अगर आप इवन में से ऑड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड। ये याद रखिए, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा और नॉलेज भी इंप्रूव करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इस सब चीजों के बारे में पता होने से, हर एक चीज ट्राई करने की जरूरत से बच जाते हैं। तो इस सिचुएशन में देखिए हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, जो रिलेशन आएगा वो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, इसका रोस्टर फॉर्म देखना है वो कितना बन रहा है, 1 का 4 से बन रहा है, बिल्कुल 1 का 6 से कनेक्शन बन रहा है। और चाहे आप ये बनाइए या डायरेक्ट लिखे तो क्या होगा, 1 लीजिए इससे सब्ट्रैक्ट करते देखते 3 मिल रहा है, 1 का 6 से मिल रहा है, 1 का 9 से नहीं मिल रहा है, फिर 2 पे आ जाते हैं, 2 का 4 से करेंगे तो नहीं चाहिए, 2 का 6 से नहीं चाहिए, 2 का 9 से मिल जाएगा ऑड नंबर, 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा, 3 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 को 9 से नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑड ऑड इवन दे देता है, 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा ऑड नंबर, 5 को 6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी मिल जाएगा, और 5 को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इजी दे रखा था तो साथ ही में मैंने लिख दिया है, ये फिगर दे रखा है इससे ये चीजें बतानी। फिगर के हिसाब से कह रहा है राइट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए आपको 5 में क्या करने पे 3 मिल रहा है, ये डेफिनेशन के फॉर्म में से यहाँ पे डिफरेंस चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस ऑड है, तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ डिफरेंस करने से ये नंबर मिले, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसी को हम डेफिनेशन फॉर्म में लिखते, तो ये सारे एलिमेंट सिमिलर यही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो बस आपको वो देखना है कि इन एलिमेंट्स में एक ही चीज कॉमन होगी, 5 में कुछ ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से सब्ट्रैक्ट करने से ये मिल रहा है, वो चीज आपको देखना, वही हर चीज में फॉलो होनी चाहिए तभी तो एक डेफिनेशन फॉर्म में लिख पाएंगे। तो मुझे दिख रहा है 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलेगा, पहला जो डिफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन जनरली हमें देखना होता है, 6 में भी वही हो रहा है, 7 में भी, 7 दे रखा है तो 7 में भी वही हो रहा है, यानी मुझे पता चल गया रिलेशन आर है सच दैट एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, y की वैल्यू क्या है x में 2 सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, यानी पहले वाले इनपुट में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आउटपुट मिल रहा है, सच दैट x बिलोंग्स टू, अब x यहाँ पे सेट दे नहीं रखा है, p दे रखा है, यहाँ पे p दे रखा है तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q, ऐसे लिख देना, बस इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, हर एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को शो करता है, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है, पहला एलिमेंट p का है, दूसरा एलिमेंट q का है, वो हर सेट में मेंशन करना होता है, एक ही सेट दिया होता तो सिंपल लिख देते x, y बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म सिंपली क्या है, पेयर बना के लिख देना है, कॉमन लगा के, 5 3 दे रखा है कॉमन, 6 4 दे रखा है कॉमन, 7 5 दे रखा है, बस ये सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारा। डोमेन क्या हो जाएगी, इसमें जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं सारे यूज हो रहे हैं उनको सेट में डाल दो भैया, या इससे जो पहले एलिमेंट्स है उनको डाल दो। रेंज क्या हो जाएगी, जो आउटपुट आ रहा है सेकेंड में वो सारे आ रहे हैं तो 3 4 5
इससे देखना है तो बाकी बाद वाले एलिमेंट्स उठा के इसमें डाल दो, वही आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, मान लिया ये फिगर ना दिया हो, कहीं ऐसे दे दिया हो कि एक रिलेशन है हमारा जो वन का टू से है, वन का थ्री से है, टू का फोर से है और टू का सेवन से है, मान लिया थ्री का नाइन से है, कहेगा इसकी डोमेन और रेंज बतानी है आपको। तो यहां पे देखिए, जब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में पहले एलिमेंट्स जो होते हैं तो रिपीट हो रहे हैं, उनको बार बार नहीं लिखना है। सेट में, सेट आपने पढ़ रखा है इसीलिए सेट की नॉलेज होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, बता रखा हमने। सेट में रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, वन वन लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। वन टू थ्री लिखिए, थ्री टू वन लिख दीजिए, वन थ्री टू लिख दीजिए, कोई मैटर नहीं, वही सेम सेट है। तो यहाँ पे वन है, फिर वन आ रहा है तो आपको एक ही बार लिखना है, फिर टू है, टू फिर आ रहा है, पहले एलिमेंट्स की बात करें, डोमेन क्या होती है, पहले वाले एलिमेंट्स, तो वन टू थ्री ऐसे लिख देना, ये नहीं कि वन वन फिर टू टू फिर थ्री, ऐसे नहीं लिखना है, सेम एलिमेंट दो बार नहीं लिखते। रेंज की बात करें तो कितना आ रहा है, टू है थ्री है, टू है थ्री है, फोर है, सेवन है, नाइन है। अगर यहां पे भी रिपीट हो रहा है तो आपको एक ही बार लिखना है, समझ में आ रहा है। बाकी आप जब मैपिंग कराओगे तो वन का टू से भी होगा, वन का थ्री से भी होगा, जैसे आप मैपिंग कराओगे तो वन टू थ्री ऐसे दे रखा है, तो इधर जो भी है इधर दे रखा है हमारा टू थ्री फोर सेवन, तो वन का टू से भी है, वन का थ्री से भी है, ऐसे मैपिंग करा देंगे, वो अलग बात है। देखिए वन का इससे भी है, इससे भी है, इसका इससे भी है, जिससे पॉसिबल है वो अगर मैपिंग में पूछ रहा है तो हम उसको बता देंगे, लेकिन रिपीटेशन हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारा सेट दे रखा है ए और हमें आर एक डिफाइंड है ऑन ए, ए पे ही डिफाइंड है, किस तरीके से डिफाइंड है, ए कॉमा बी सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कहने का मतलब है चाहे तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में बना लो, यानी हमको बी जो है ऐसा लेना है कि उसमें जब डिवाइड करोगे ए से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। पहले अगर आपको ये इजी लगता है तो ये बना लो, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, वन टू थ्री फोर और सिक्स, वन टू थ्री फोर और सिक्स, आई होप इतना क्लियर है। तो आप देखो ना इधर वाला कौन सा नंबर है, वन ले रहे हैं तो वन किस किस को डिवाइड करता है, सबको डिवाइड कर सकता है, वन का वन से भी कनेक्शन हो सकता है, वन का टू से, वन का थ्री से, वन का फोर से और वन का सिक्स से, सभी से कनेक्शन पॉसिबल है। कैसे भाई, आप टू को वन से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल, टू इज डिविजिबल बाय वन, जो इन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि सेकेंड नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर वन से तो सभी डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, टू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन, थ्री इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन, ये हो जाएगा। अब टू का देखते हैं कि आप वन लोगे तो क्या वन डिविजिबल बाय टू, नहीं, टू है बिल्कुल है, थ्री नहीं है, फोर है, सिक्स है, यानी अगर हम टू की बात करें तो टू टू से कनेक्टेड होगा, टू फोर से कनेक्टेड होगा, टू सिक्स से कनेक्टेड होगा। अब अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री से छोटे नंबर से ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल नहीं होगा, यानी वन डिविजिबल बाय थ्री नहीं है, टू भी नहीं है, थ्री है तो थ्री डिविजिबल है, फोर भी नहीं है, सिक्स डिविजिबल है। अगर हम फोर की बात करें तो फोर भी हमें क्लियर पता चल जाएगा कि फोर किससे डिविजिबल बाय, फोर से डिविजिबल हो जाएगा, क्या सिक्स डिविजिबल बाय फोर है, बिल्कुल नहीं है। और अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स अपना सिर्फ सिक्स से डिविजिबल है, वो है सिक्स। आई होप इतना क्लियर है, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, बाकी अगर आपको ऐसे लिखना था रोस्टर फॉर्म में तो आप अपना सोच के लिखिए कि सेकेंड नंबर आप क्या वन ले सकते हो, तो वन इज डिविजिबल बाय वन ओनली, तो वन ऐसे लिखना, वन किस किस को डिवाइड कर सकता था, सभी को, तो वन का हमारा टू से हो गया, थ्री से भी हो जाएगा, वन का ये डोमेन रेंज बाद में लिख देंगे, तो वन का देखिए वन के साथ सबका पेयर बना देना है, तो वन टू थ्री, वन का फोर से, वन का फाइव सिक्स से, ठीक है, ये सिक्स दे रखा है। फिर टू की बात है तो टू किसको डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, तो वो है फोर, टू डिवाइड कर सकता है सिक्स को। अब बात करते हैं थ्री, तो थ्री इनको तो डिवाइड नहीं कर सकता था, फोर को भी नहीं कर सकता, एग्जैक्टली सिक्स को डिवाइड कर सकता है और थ्री खुद को डिवाइड कर सकता है, और थ्री डिवाइड कर सकता है सिक्स को। अब अगर हम बात करें फोर को,
फोर इनमें से किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, खुद को डिवाइड कर सकता है और किसको डिवाइड कर सकता है, सिक्स को भी नहीं डिवाइड कर सकता। अब अगर हम बात करें सिक्स का, तो सिक्स भी खुद सिक्स को डिवाइड कर सकता है और किसी को भी डिवाइड कर सकता है। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है भैया ऐसे छाप दो, और मैपिंग करके लिखना है तो मैपिंग करके मैं ऐसे लिख देंगे। आई होप इतना क्लियर है। एरो बना दीजिएगा, एरो बनाया नहीं मैंने, सब में एरो बना देना ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अगर हम डोमेन की बात करें तो अब इजी हो जाता है डोमेन रेंज बताना। डोमेन क्या हो जाएगी, पहले एलिमेंट्स जो आ रहे हैं या इसमें जो एलिमेंट्स यूज हुए वो सारे यूज हुए, 1 2 3 4 6। एक चीज देखिए, मैंने बताया था जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिखना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। रेंज क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो मुझे देख रहा है इधर सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, या आप यहां देख सकते हो 1 यूज हो रहा है, 2 3 4 5 6 सारे यूज हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 6 सारे यूज हो रहे हैं, तो ये डोमेन हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। डोमेन रेंज निकालना बहुत इजी हो जाता है अगर एक बार आप या तो रोस्टर फॉर्म लिख लो या सेट ये मैपिंग वाला फॉर्मेट लिख लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अभी तक यहाँ पे सेट डिफाइन होता था कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे जो चीज दे रखी होती थी, एक एक्स होती थी और एक वाई होती थी, तो इन्होंने क्या किया, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते थे, अभी तक हम ऐसे लिखते थे रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखते थे। या एक ही सेट डिफाइंड है तो यहां पे हम लिख देते थे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, कोई दिक्कत है। यहां पे एक्चुअल इन्होंने सिर्फ इनपुट दे रखा है, यानी x दे रखा है, y के बारे में कुछ नहीं बताया कि y भी इसी सेट से बनेगा। और यहां पे देखिए y की जगह ये वैल्यू रख दी है, सिर्फ y की जगह x प्लस 5 रख दिए। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में वेरिएशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, आपको वेरिएशन भी देखना है। क्वेश्चन को समझिए कि सोल्यूशन तो हम करा देंगे लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन क्या हो रहे हैं ये भी आपको पकड़ के चलना है। क्वेश्चन में x तो एज इट इज था, y की जगह पे जनरली अभी तक हम ऐसे लिखते हैं ना, y की वैल्यू ये आएगी, यानी सेकेंड टर्म हमारा इस तरीके से डिफाइंड होता था, तो यहाँ पे वही सेकेंड टर्म रख दिया है, तो उससे घबराना नहीं, यही y दे रखा है। x के बारे में डिफाइंड है, y के बारे में नहीं डिफाइंड है, तो y जो भी आएगा इस ऑपरेशन से वो सारे हम लेते चले थे। तो यहाँ चीज क्लियर हो गई, एक चीज ये क्लियर हो गई कि क्वेश्चन को बस मॉडिफाई करके लिखा है, मतलब वही है। अब अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो उसके लिए हम थोड़ा सा फिगर बनाएंगे। यहां पे x है और यहां पे y है, ये है x और ये है x प्लस 5 करके मिलेगा, इतना समझ लीजिए। x के क्या है हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें 5 ऐड करके चले जाओ, तो 0 में 5 ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा। ऑर्डर कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं आपको सामने ही सामने लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 5, 6, फिर यहाँ पे 5, 7, 8, 9, 10। कहने का मतलब आप ऑर्डर कुछ भी लिख दो, सेट में मैटर नहीं करता, या आप ऐसे लिख सकते हो तो 8, 7, 6 कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट आप पढ़ चुके हो। इस सिचुएशन के हिसाब से पहले इनपुट में 5 ऐड करोगे तो आउटपुट मिलेगा, यानी ये इससे कनेक्टेड है। 1 में 5 ऐड करोगे तो 6 मिलेगा, 2 में 5 ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, 3 में 5 ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है सीधा सीधा कनेक्शन हो, ऑर्डर कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कनेक्शन सही होना चाहिए इस डेफिनेशन के हिसाब से, रिलेशन यही होना चाहिए। एरो कहीं भी जा रहा हो लेकिन सही कनेक्टेड होना चाहिए। 4 में 5 ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 मिलेगा। ये अगर मैपिंग करा के पूछता है तो हमें इस तरीके से बना देना, और अगर सिंपल डोमेन रेंज पूछ रहा था तो डोमेन क्या होती है, हम सारे एलिमेंट यूज कर सकते थे, सारे एलिमेंट यूज कर सकते थे क्योंकि आउटपुट का एलिमेंट डिफाइन नहीं था। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, जो भी वैल्यू आ रही है 5, 8, 7, 6, 9 और 10। आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है इस तरीके से कि एक्स, अभी जैसे इसमें एक्सप्लेन किया सेम उसी टाइप का है, बस y की जगह से हमने लिखते हैं y इज इक्वल टू x क्यूब, समझ लीजिए ये दे रखा है, y की वैल्यू x क्यूब है। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ये रिलेशन डिफाइंड है। x की वैल्यू यहाँ पे पूरी बता रखी थी क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे बता रखी क्या क्या ले सकते हैं,
तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे इसमें डोमेन और रेंज बता पूछती थी, इसने हमें बस रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। x हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, x हम कितना ले लेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सिचुएशन में, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो इवन नंबर होता है 2, फिर उसके बाद प्राइम नंबर तो पता है ना क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे, दो ही फैक्टर होते हैं, या एक खुद होता है 1, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, 6 नहीं ले सकते वो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, 8 नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, और 10 से कम की बात कर रहे हैं तो बस इतने ही हो जाएंगे, 9 नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल है 9 से भी डिविजिबल है। एक्स हमको पता चल गया है, तो वाई क्या आ जाएगा, सिंपली इनका क्यूब है, यानी 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब आएगा 27, इसका क्यूब हो जाएगा 125 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। आई होप इतना क्लियर है। अब सिंपल इस सिचुएशन में रख देना है, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 रखोगे तो 8 मिलेगा, यानी 2, 8। देखिए ये जो सिचुएशन है, इनपुट उसका क्यूब, फिर 2 के बाद और किसी का क्यूब नहीं दे रखा है, 2 के साथ और किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, सिंपल 3 का क्या हो जाएगा 27, 5 का हो जाएगा 125 और 7 का हो जाएगा 343। आई होप इतना क्लियर है, बस यही लिखना था, यही रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जितनी थ्योरी थी ना पूरा पूरा उसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज, अगर आप थ्योरी अच्छे से कर सकते हो तो खुद से ट्राई करो, तो करना है कि आपको पहले खुद से ट्राई करना है, कोई डाउट है तो आपको सोल्यूशन देखना होता है, पहले खुद से प्रैक्टिस किया करिए कि एक दो बार फेल क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा एक दो बार गलत होगा, ज्यादा थोड़ी नहीं कुछ हो सकता, कोई जान थोड़ी नहीं ले लेगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आप खुद से करोगे तो सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है ये आपको आएगा। अब ये दो लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के, एक बहुत ईजी है, एक में थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, स्टार्टिंग मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट ए डिफाइंड है और एक सेट बी डिफाइंड है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, ए टू बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है। तो रिलेशन के लिए हमें पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कुछ नहीं होता है, रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी अगर दे रखा है और ए टू बी पूछ रहा है, तो यहां पे हमें पता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, वो होता है सिंपल ए में कितने एलिमेंट है और इनटू बी में कितने एलिमेंट है, वो वैल्यू है 3 × 2, यानी टोटल 6 एलिमेंट है आ जाएंगे ए क्रॉस बी में, बता रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट चाहे आप ए क्रॉस बी में निकालो चाहे बी क्रॉस ए में निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आते हैं भाई, अगर बी क्रॉस ए करते तो 2 × 3 कर देते तब भी 6 आता, लेकिन ए क्रॉस बी अगर सिर्फ ए क्रॉस बी की बात करें तो वो इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो उसको देख लीजिएगा जाके। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वो जितने ए क्रॉस बी में आएंगे उतने ही बी क्रॉस ए में आएंगे, क्योंकि आप 3 × 2 कराइए या 2 × 3 कराइए 6 ही आएगा। तो यहां से एक अच्छी चीज पता चलती है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर में जितने एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट में उसको 2 की पावर में डाल देते हैं, वो नंबर ऑफ सबसेट दे देता है। तो वो आप चाहे ए टू बी निकालो चाहे बी टू ए निकालो, नंबर ऑफ रिलेशन सेम बचे बनेंगे लेकिन रिलेशन अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे 5 रिलेशन इसमें बनेंगे तो 5 रिलेशन उसमें भी बनेंगे, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होगी, सबका नेचर अलग अलग होगा, क्योंकि भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ही अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होते हैं। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है तो इसमें भी 2 की पावर में ए क्रॉस बी सबसेट यानी रिलेशन बनेंगे और इसमें भी 2 की पावर बी क्रॉस ए रिलेशन बनेगी। तो एक चीज ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अ रिलेशन आर बी अ रिलेशन ऑन जेड, जेड पहली बात क्या होता है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हम z को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर में। अगर यहां पे z प्लस लिख दोगे तो पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस लिख दोगे तो निगेटिव इंटीजर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। तो हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है वो इंटीजर्स पे डिफाइंड है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर। अब उसमें जो पेयर मिला है हमें उसमें क्या है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों भी इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं,
ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी डिफरेंस जो है ए माइनस बी एक इंटीजर रहना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमको डोमेन और रेंज बता देनी। एक चीज ध्यान रखिए, इन्होंने जो जो नंबर ले रखे वो जेड है, जेड की वैल्यू क्या है, जेड हमारा डिफाइन ऐसे, जेड क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, मान लिया आप इधर आओगे माइनस टू माइनस वन, फिर जीरो मिलेगा वन टू थ्री और इधर प्लस इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर है। और इधर भी क्या है जेड ही दे रखा है, यानी माइनस इनफाइनाइट से इधर आओगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एंड प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। आप इसमें देखिए, आप नंबर्स जब लोगे ए माइनस बी तो वो इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमको रिलेशन देखना कि इनका जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों में जो इनपुट ले रहे हैं इनका डिफरेंस आएगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखो यार, दो इंटीजर को आप घटाओगे या जोड़ोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। जब तक कोई डिवीजन वाला केस आ जाता तब रैशनल नंबर आने के चांसेस थे कि पूरा डिविजिबल है कि नहीं है, अदरवाइज सिंपल होता है कि भैया अगर इंटीजर्स को ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। इतना इतना लॉजिक इसमें नहीं लगाना है, बस आप इतना ध्यान रखो कि नहीं भी, जैसे मान लिया माइनस टू को हमने माइनस फाइव से ऐड कर दिया, माइनस टू को हमने मान लिया वन से ऐड कर दिया, या वन को हमने जीरो से ऐड कर दिया, या वन को हमने थ्री से कनेक्ट कर दिया, ऐसे अगर हम कर दें तो आप देखिए एक माइनस टू है और माइनस टू कनेक्टेड है माइनस थ्री से। जब आप इनका डिफरेंस लोगे तो माइनस टू माइनस माइनस थ्री रिजल्ट कितना देगा, माइनस टू प्लस थ्री रिजल्ट कितना आ रहा है वन, देखिए वन इसमें मिलेगा। आउटपुट तो इंटीजर है ना, देखिए हमारा आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। तो आप इस साइड के सारे एलिमेंट को उससे मैप करा देंगे, वन सबसे मैप हो जाएगा, टू सबसे मैप हो जाएगा, थ्री सबसे मैप हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक इंटीजर को उधर किसी भी इंटीजर से आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, या सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है, रिजल्ट में आपको इंटीजर ही मिलेगा। कोई भी नंबर आप उठा लो, मान लीजिए इधर से हम थ्री उठा लेते हैं, तो थ्री में आप इस साइड का कोई भी नंबर ले लो, इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर लोगे आप इंटीजर ही मिलेगा। मान लीजिए माइनस सेवन ले लिया हमने, तो माइनस सेवन लोगे तो माइनस माइनस सेवन रिजल्ट कितना देगा, टेन ही देगा, इंटीजर आ रहा है। आप प्लस सेवन ले लोगे तो थ्री माइनस सेवन रिजल्ट माइनस फोर देगा, इंटीजर आ रहा है, वो भी मिलेगा। रीजन समझ में आ रहा है? तो आप हर एक इधर का हर एक इंटीजर इसके हर एक से मैप होगा। अगर हम कोई छोटा एग्जांपल लें, जैसे मान लिया हमने सिर्फ पांच इंटीजर ले ले, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इधर भी हम पांच एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन जो है इससे मैप होगा इससे 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 इससे, टू भी इससे मैप होगा, सबसे मैप होगा टू भी, थ्री भी सबसे मैप होगा, समझ में आ रहा, चार भी सबसे मैप होगा। रीजन क्या है कि आप वन को किसी से भी घटा दो इंटीजर मिलेगा, टू को किसी से भी घटा दोगे इंटीजर मिलेगा, थ्री को किसी से भी घटा दोगे इंटीजर मिलेगा, फोर को किसी से भी घटा दोगे तो इंटीजर मिलेगा। ये हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हमको डोमेन और रेंज बतानी, और डोमेन क्या होती है, इस सेट में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं और इस सेट में जिनकी इमेज बनती है, यानी ये एलिमेंट इससे जिन जिन एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं वो रेंज आती है। इसीलिए समझना जरूरी है कि इनकी दी हुई कंडीशन के हिसाब से जब हम सारे इंटीजर इधर भी ले रहे हैं सारे इंटीजर उधर भी हैं, तो भैया ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, एडिशन होता तब भी हमारा वही केस आता, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हर एक एलिमेंट हर एक से मैप हुआ। यानी कि वन लोगे जीरो लोगे तो जीरो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सबसे कनेक्ट होगा, वन भी सबसे कनेक्ट होगा, क्योंकि वन माइनस उधर का कोई भी इंटीजर रखोगे, वन में आप कोई भी इंटीजर घटाओगे तो बदले में आपको इंटीजर ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि इधर आपकी, अब डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगी भैया, अभी समझ में आ रहा होगा, ये पूरा जेड है और इधर भी पूरा जेड है, यानी डोमेन में हम सारे एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है, जेड। तो डोमेन भी कितनी हो जाएगी, जेड। रेंज की बात करें अगर हम, अभी तक क्या करते थे कि मान लिया इधर वन टू थ्री फोर फाइव है, उधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, और ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, मान लिया ऐसा मान लिया हमने। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि डोमेन तो पूरी हो गई है, रेंज में सिर्फ इतने एलिमेंट लिखेंगे, या इधर एक्स्ट्रा हमने मान लिया छह सात और दे रखा था, तो डोमेन में सिर्फ ये एलिमेंट जो कनेक्टेड थे वो होते, बाकी नहीं लेते। लेकिन यहां पे हमें पता चला सारे एलिमेंट उधर कनेक्टेड है, ठीक है, तो डोमेन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और रेंज में पता चला हर एलिमेंट यूज हो रहा है इधर का,
तो वो वैल्यू क्या है, टू रीसेट। समझ में आ रही, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझाना पड़ा, अदरवाइज बहुत इजी है, सिंपल छोटे नंबर दिए होते, इन्होंने पूरा पूरा इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक दे रखा है। पर अच्छी बात है कि सारे इंटीजर है, इंटीजर्स को यार ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे रिजल्ट में इंटीजर ही मिलना है। फ्रैक्शन नंबर आ जाते तो बात अलग थी, सारे रियल नंबर ले लेते तो फिर हमको सोचना पड़ता कि भाई रियल नंबर्स में तो 0.1 0.2 भी आते हैं, उस सिचुएशन में सोचते, लेकिन सारे इंटीजर ले रखे यार, तो इंटीजर इधर भी है इंटीजर इधर भी है, इधर एक इंटीजर सब किसी भी इंटीजर से मैप करा दोगे तो उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही देगा। समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा था अभी तक में, और ये एक क्वेश्चन हमने पहले स्टार्टिंग में बता रखा किस तरीके से निकालते हैं। तो आज की वीडियो में यार इतने रखते हैं, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपको बेसिक पढ़ाया था मैंने इसके पहले रिलेशन में, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन अच्छा है आपके में, पहले मैपिंग वाला भी फंक्शन है, क्लास ट्वेल्थ में आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें आपका क्या है, ग्राफ वाला भी फंक्शन है और मैपिंग वाला फंक्शन है, दोनों हम देखेंगे क्लास में। तब तक सेफ रहिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।